कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब का मुद्दा लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। हिजाब मामले को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु और जमीयत तवातुल मुस्लिमीन के संरक्षक कारी इसहाक गौरी ने न्यूज स्टेट से बातचीत में कहा है कि कुछ राजनीतिक लोग अपने फायदे के लिए इस मुद्दे को बेवजह तूल दे रहे हैं। सुनिए। मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक और मुस्लिम धर्मगुरु कारी इसहाक गौरी जी। गौरा साहब, की जो हिजाब का ये मुद्दा है, ये कर्नाटक था लेकिन अब ये इंटरनेशनल मुद्दा हो गया है, उत्तर प्रदेश में भी इसकी तफीस देखने को मिल रही है, तो उस पर आपका क्या कहना है, क्या राय है? मैं समझता हूं कि हमारा मुल्क जो है वो एक गंगा जमनी तहजीब का एक मुल्क है। दूसरे ममालिक भी जो है इसको बहुत रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं। हम लोग अगर विदेश भी जाते हैं तो लोग इस पर फख्र करते हैं कि आप के यहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटी के लोग रहते हैं और एक दूसरे की भावनाओं का पूरा पूरा ख्याल रखते हैं, और यही इस मुल्क की पहचान है। मगर अफसोस की बात यह है कि कर्नाटका का जो कॉलेज था उसमें बच्चों को एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं की रिस्पेक्ट करने के बजाय एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं पर उंगली उठा रहे हैं। उन बच्चों को अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहिए था, आज वो किस मुद्दे में आके उलझ गए हैं। क्या लगता है आपको इसके पीछे क्या वजह हो सकती है जो इस वक्त इस मामले को पूरा तूल दिया जा रहा है? देखिए, सभी लोग जानते हैं कि कुछ राज्यों में जो है विधानसभा का चुनाव चल रहा है और अक्सरियत लोग इसको चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि इसको एक इशू बनाकर मुसलमानों को उलझाने की कोशिश की जा रही है, और मैं समझता हूं कि ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। सहारनपुर से विकास कपिल। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब का मुद्दा लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। हिजाब मामले को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु और जमीयत तवातुल मुस्लिमीन के संरक्षक कारी इसहाक गौरी ने न्यूज स्टेट से बातचीत में कहा है कि कुछ राजनीतिक लोग अपने फायदे के लिए इस मुद्दे को बेवजह तूल दे रहे हैं। सुनिए। मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक और मुस्लिम धर्मगुरु कारी इसहाक गौरी जी। गौरा साहब, की जो हिजाब का ये मुद्दा है, ये कर्नाटक था लेकिन अब ये इंटरनेशनल मुद्दा हो गया है, उत्तर प्रदेश में भी इसकी तफीस देखने को मिल रही है, तो उस पर आपका क्या कहना है, क्या राय है? मैं समझता हूं कि हमारा मुल्क जो है वो एक गंगा जमनी तहजीब का एक मुल्क है। दूसरे ममालिक भी जो है इसको बहुत रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं। हम लोग अगर विदेश भी जाते हैं तो लोग इस पर फख्र करते हैं कि आप कि यहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटी के लोग रहते हैं और एक दूसरे की भावनाओं का पूरा पूरा ख्याल रखते हैं, और यही इस मुल्क की पहचान है। मगर अफसोस की बात यह है कि कर्नाटका का जो कॉलेज था उसमें बच्चों को एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं की रिस्पेक्ट करने के बजाय एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं पर उंगली उठा रहे हैं। उन बच्चों को अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहिए था, आज वो किस मुद्दे में आके उलझ गए हैं। क्या लगता है आपको इसके पीछे क्या वजह हो सकती है जो इस वक्त इस मामले को पूरा तूल दिया जा रहा है? देखिए, सभी लोग जानते हैं कि कुछ राज्यों में जो है विधानसभा का चुनाव चल रहा है और अक्सरियत लोग इसको चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि इसको एक इशू बनाकर मुसलमानों को उलझाने की कोशिश की जा रही है, और मैं समझता हूं कि ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। सहारनपुर से विकास कपिल।